हेलो एवरीवन, सो आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिली पनीर। सो स्टार्ट करते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए पहले मैंने लिया है 4 टमाटर, 2 प्याज और इसका क्या नाम है भूल गया, जो भी नाम है ले लिया मैंने, और ये हरा मिर्चा एंड एक लहसुन और ये है पनीर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये शिमला मिर्च कट गया है, प्याज कट गया है, मिर्चा चाहे आप खाएं चाहे ना खाएं, ये टमाटर और ये पनीर और ये लहसुन जो मैं नहीं छीन सकता और ये छीन रहे हैं। सामने देखिए, ये है मेरी माँ। सो आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई को बैठा दिया है जो कि अब गर्म हो रहा है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें तेल। ये गैस में मैंने तेल डाल दिया है। तेल आप अपनी जो मदर है उसे पूछ के डालें, वरना पीछे से आवाज़ आएगा कितना तेल डाल रहे हो। तो मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पहले मैंने कढ़ाई गर्म किया था, अब तेल को गर्म होने देंगे। प्याज और लहसुन को मैंने डाल दिया था, जल नहीं रहा है, कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गया है। अब उसमें प्याज का शुरुआत करेंगे। कैमरा पहले देखिए, प्याज की तरफ सारे प्याज। प्याज थोड़ा थोड़ा लाल होना शुरू हो गया है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें शिमला मिर्च को डाल देंगे। साइज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटा है, प्रोफेशनल नहीं है। तो अभी प्रोसेसिंग में है। अभी प्याज के साथ शिमला मिर्च में थोड़ा अच्छे से पक जाए, फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर और ये देखिए मसाले, चिली पनीर मसाले। इसको घोल के डालते हैं, एक्सपर्ट लोग ही राय हैं। आगे देखते हैं। इसमें टमाटर जा चुका है और इसको गलाने के लिए हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिला है। तो यहाँ है, ये देख सकते हैं, अब ये मसाला है इसका और ये टमाटर कैसे है, ये हमारी पनीर रखी हुई है। अब ये हल्दी जा रहा है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे कैमरा लग जाइए, और देखिए ये अपना कलर लेने लगा है, मतलब अपना अवतार बनाने लगा है। थोड़ा मेरे को देख लें, बना नहीं रहा हूँ। तो इसके बाद हम डालेंगे नीचे लिखा, इसके बाद हम जो मसाला रखेंगे ये डालेंगे और टमाटर कैसे डालेंगे मसाला दे दे। तो अभी मसाले को हम पे डाल रहे हैं। ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाना है, क्योंकि चिली पनीर कभी भी ग्रेवी अलाउ नहीं होती। जैसे कि आप सब जानते हैं, मार्केट में हम जब भी चिली पनीर खाते हैं तो ग्रेवी वाली नहीं होती, ग्रेवी वाली मिल जाती होती कि भैया ये क्या लाए हो, तो ये वाली, तो ये वाली फीलिंग नहीं लानी है नीचे। और टमाटर कैसे भी डाल, कैमरा दे देते हैं। टमाटर कैसे अब जा रहा है इसके अंदर, आप इसको हाथों से यूज करें और पूरा डाल दें। उसको हमको मिलाना है। तो हमारी ग्रेवी लुक लेने लगी है। टमाटर को हम इसमें मिला देंगे। कलर तो पहले इधर आए, अब देखें कि इसको मैं पनीर को हम इस पे डाल देंगे। आज सैटरडे है तो लॉकडाउन था, तो पनीर बनना बहुत मुश्किल था, फिर मैंने किया पनीर। तो बनारसी में कुछ भी कर सकते, लेकिन सावधानी से। 2 गज की दूरी, इधर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो पनीर जा रहा है इसके अंदर, पनीर में सारे पनीर आ गए। अच्छा, नहीं तोड़ो इसको अब।
सो ये पूरा मिल गया है और मैंने इसमें थोड़ा बटर भी डाल दिया है ताकि और अच्छे से स्वाद आ जाए। ये बटर देख सकते हैं साइड से खुशबू भी आ रही है। इसको अच्छे धीरे धीरे मिलाएंगे क्योंकि पनीर टूटे ना, बस पनीर टूट जाएगा तो देखने में खराब रहेगा और मज़ा नहीं आएगा। सही मैंने तो ये देखिए थोड़ा पीछे। सो अब इसको सजाने के बाद मिलते हैं। सो ये हमारी चिली पनीर तैयार है, आप देख सकते हैं नीचे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट। लुक एट द कलर, आप इसको अच्छे से सजा दें। अब तो आप भी ट्राई करें इसको, घर पे ही बनाएं, बाहर का भी ना खाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।